अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? वेलकम टू ऑनलाइन डिस्कशन लेक्चर। प्यारे बच्चों, ये है आपकी दूसरी सम्माही की उर्दू की किताब। जिस बच्चे ने दूसरी सम्माही की किताबें नहीं खरीदी, वो स्कूल से जाके जल्द अज जल्द अपनी उर्दू की किताब, अपनी दूसरी सम्माही की किताबों को ख़रीद लें, ताकि हम मुकम्मल तौर पर अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकें। जी, उर्दू की किताब सफ़ा नंबर, ये कुछ सबका जायज़ा हैं जो हम पहले फर्स्ट टर्म की बुक्स में पढ़ चुके हैं। ये उन्हीं में से कुछ पेजेस हैं जिसकी पहली एक्टिविटी है। जी, तस्वीर के मुताबिक दुरुस्त हर्फ पर दायरा लगाएं। जी, ये तस्वीर है ऊँट की, और ऊँट की इब्तदाई आवाज़ क्या होती है? अ। तो अ की जो आवाज़ है वो किससे मिलती है? ते त से स अलिफ अ, देखें अ, वेरी गुड। अलिफ, अलिफ अ ऊंट, हम अलिफ पर दायरा लगाएंगे, वेरी गुड। इसी तरह आपने बंदर और पतंग के दोस्त को भी ढूंढकर उस पर दायरा लगाना है। तस्वीर को देखकर दुरुस्त हर्फ पर दायरा लगाएं और लिखें। जैसे कि यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं, टमाटर, प्याज, अंगूर। टमाटर के दोस्त को ढूंढते हैं और फिर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, अलिफ ते टे। जी, टमाटर का दोस्त कौन होता है? देखें, टमाटर, तो इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या आ रही है? ट, वेरी गुड। टे ट टमाटर, पहले तो हम टे ट को पे दायरा लगाएंगे और फिर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, मेक अ लिटल वन, मेक अ स्लांट लाइन, मेक अ लिटल वन, मेक अ वन, मेक अ हाफ सर्कल, वेरी गुड। इस तरह से आपने टे राइट करना है। इसी तरह आपने प्याज और अंगूर के भी दोस्त को ढूंढना है, दायरा लगाना है और उसको यहाँ पे लिखना है। आपने अपनी मामा को बिल्कुल भी तंग नहीं करना, बहुत अच्छा सा राइट करना है और फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।